मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप आइस के डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार आर्टिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और हमने इन आर्टिकल्स को स्पेशली जो है तो आपके ये जो आर्टिकल हैं ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल इनको कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो पूरे के पूरे आर्टिकल हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ आपके मेंस की आंसर राइटिंग में जिस डायमेंशन से आजकल क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं मेंस में, उसी डायमेंशन से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, और उसमें से आप किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, किस प्रकार से पॉइंट्स को यहाँ पर से कुछ अपने जो आपके मेंस के प्रस्पेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट होंगे उनको आप निकाल करके यहाँ से अपने नोट्स में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जो आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनमें से देखते हैं कि पहला आर्टिकल जो हमारा होगा कि मिटानी ही होगी विषमता की खाई। तो ये बिल गेट्स जी का, मतलब कि उनके ये आर्टिकल है जिसमें से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सरकारी कंपनी और गैर लाभकारी संस्थाएं हैं वो सुधार के लिए किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो विषमता की खाई है उसको मिटाने में किस प्रकार से हेल्प कर सकती हैं। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं अपना नेक्स्ट आर्टिकल है कि दुनिया का अगला शक्ति केंद्र बनेगा भारत, ये श्याम शरण जी का आर्टिकल है ना। ये हमारे एक्स फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो भी रहे हैं। काफ़ी अच्छा इनका आर्टिकल है, किस प्रकार से जैसे कहते हैं कि भारत आगे आने वाले जो 21वीं सदी है भारत के लिए होगी या 21वीं सदी एशिया की होगी, तो उसी प्रकार से यहाँ पास जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत किस प्रकार से केंद्र बनेगा दुनिया का अगला शक्ति केंद्र के रूप में, तो उसी के उसमें इनके कुछ काफ़ी अच्छे उन्होंने अपने आर्गूमेंट भी दिए हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से डिस्कस करेंगे। वहीं अपना नेक्स्ट आर्टिकल है हर उम्र के सांसों पर भारी है ग्लोबल वार्मिंग का असर। यहाँ पास लायंस एंड काउंटडाउन की एक रिपोर्ट आई है, उसी का हवाला इसमें दिया गया है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट को कहा जा सकता है, और ये आपके एनवायरनमेंट के जो सब्जेक्ट है उसमें से आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कहा जा सकता है इसमें से, तो ये भी इसको हम डिस्कस करेंगे। वहीं अपना लास्ट आर्टिकल होगा कि विविध असमानताओं के लक्ष्य समाधान पर अब हो ध्यान, ये कनक दत्ता जी का आर्टिकल है। ये भी विषमताओं से रिलेटेड आर्टिकल है, इसमें से हम लोग थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पास आज हम इन चार आर्टिकल में से कहाँ तक पहुँचते हैं, यदि इसमें से एक आध कुछ आर्टिकल यदि लास्ट में छूट भी जाते हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर किया जाएगा ना। तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पास ये बिल गेट्स और उनकी जो वाइफ है मेलिंडा गेट्स, ये लोग जब रिसर्च करते हैं गरीबी के खिलाफ जो विश्व में किस प्रकार से जो है तो उनका जो रिसर्च है तो इसमें जो है तो ये जो मुहिम है उनका, तो इसमें उनका पूरा फोकस होता है कि स्पेशल तौर पे शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, इन चीज़ों पे वो जब रिसर्च करते हैं गरीबी के जो भी पैमाने हैं उनमें से, तो इनमें फिर मतलब कि जो ये रिसर्च कर रहे हैं है ना, तो ये भी जैसे कि इसका एक प्रकार से पर्पज इसको कह सकते हैं कि गरीबी को कम करने है ना, और किस प्रकार से और भी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जा सके है ना, और किस प्रकार से प्रॉस्पेरिटी को और भी लाया जा सके है ना, तो इन सभी डायमेंशन की किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पास इनके जो मतलब कि ये पूरा फोकस्ड है, तो दुनिया के जैसे अधिकांश हिस्सों में तो ये भी देखा जाता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा किस प्रकार से जर्जर स्थिति देखने को मिलती है, है ना। और वहाँ पास तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे हम कुछ हाल की आंकड़ों में ही प्रकाश डाला जाए तो जैसे कि किस प्रकार से कहते हैं कि नए तौर तरीकों की मदद से हम ये इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं कि यहाँ पास किस प्रकार से गरीबी, बीमारी, अशिक्षा और अल्प शिक्षा दुनिया भर में किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये, और भी यदि हम माइनर लेवल पे बात करें तो जिला दर जिला और समुदाय दर समुदाय को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है, प्रभावित कर रही है, ये भी देखने को मिल सकता है ना। तो हम वैसे भी ये तो पता है कि जो एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, तो ये भी किसी भी सोसाइटी के किस प्रकार से की रोल की तरह एक प्रकार से होते हैं कि कैसे बहुत ही ये कह सकते हैं कि हमारी जो बेसिक आजकल डिमांड हो चुकी है कि यदि हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय की जो डिमांड है तो ये तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिना शिक्षा के और बिना हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के कोई भी एक प्रकार से समाज कोई प्रगति नहीं कर सकता है ना। तो ये तो चीज़ें एक प्रकार से कह सकते हैं कि मूलभूत चीज़ें ही हैं। और यदि हम महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जैसे हम बात करें कि जो गरीबी का स्तर है तो बीते दो दशकों में इसमें काफ़ी कुछ कमी भी देखने को मिली है ना। इसको हम कह सकते हैं कि एक इसको पॉजिटिव उसके तौर पे देखा जा सकता है कि एक सकारात्मक इस प्रकार से कह सकते हैं कि विश्व में स्कूली शिक्षा का जो वो है दायरा है तो वो बढ़ता जा रहा है ना। तो इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे इसको देखा जा सकता है मानव समाज के लिए। इसके साथ ही जैसे देखते हैं कि प्रत्येक देश में जो शिशु मृत्यु दर थी वो भी उसमें भी काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिले हैं ना। यहाँ तक कि हम बात करें कि ग्लोबल लेवल पर सबसे गरीब से गरीब देश में भी जो शिक्षा और स्वास्थ्य के काफ़ी महत्वपूर्ण जो मोर्चे उसमें भी लगभग 99% स्थानीय आबादी की स्थिति में भी
काफ़ी कुछ सुधार देखने को ही मिले हैं, है ना। जिसको हम पॉजिटिव उसके तौर पे देखा जा सकता है। और इनकी बीच कुछ हमें एक कैसे नकारात्मक वो भी देखने को मिले हैं खबरें, जैसे देखते हैं कि यहाँ पास इन देशों में तो निरंतर जो असमानता है ना, तो ये काफ़ी कुछ एक प्रकार से बढ़ती जा रही है। ये जो असमानता का दौर है, जैसे कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य में इन चीज़ों पर तो सुधार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये जो असमानता की खाई है तो ये भी एक प्रकार से यानी कि विषमता जो है तो ये भी बढ़ती जा रही है ना। उच्चतम और जो निम्नतम के बीच जो खाई है ना, तो उसके बीच जो खाई है तो एक प्रकार से बढ़ती ही जा रही है, और भी ज़्यादा इनमें कह सकते हैं कि विषमताएँ बढ़ रही हैं। तो लगभग यदि हम बात करें कि लगभग लगभग 50 करोड़ लोग यानी कि प्रत्येक 15 में से एक व्यक्ति जो है तो ऐसी जगह पर रहने के लिए मजबूर है जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधा है उसका बहुत ही अभाव है। हमें ये चीज़ तो पहले से भी देख रहे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्थिति में भले सुधार दिख रहा है, लेकिन सबसे निचले पायदान पर भी जो मौजूद सबकी जो तबके हैं उनकी प्रगति जो है तो इसे उस रफ्तार से नहीं देखी जा रही है कि वे एक प्रकार से गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, है ना। हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि समग्र तस्वीर तो एक प्रकार से भले ही बेहतर दिख रही हो, लेकिन जो हाशिए पर मौजूद व्यक्ति है यानी कि जो पिछड़ा व्यक्ति है, जो कि निम्न अब भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि विषमता के उस पर काफ़ी पीछे छूट गए लोग हैं, वो अब भी जो है तो बहुत ही पीछे होते जा रहे हैं, है ना। यानी कि उनमें कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार की जो असमानता है तो सभी जगह लगभग का से दिखाई दे रही है, है ना। उदाहरण के तौर पे हम भारत को यदि लिया जाए तो भारत में जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है इनके मामले में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला है। यदि हम देखिए उसके बाद भी जो है तो राज्यों और जिलों के आंकड़े पर देखें तो उसमें काफ़ी कुछ विषमता देखने को मिल रही है ना। काफ़ी कुछ उसमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि देखिए कि नीति आयोग का स्वास्थ्य संबंधी एक इंडेक्स भी आया था, तो उस इंडेक्स के जरिए तो इस विषमता को और भी ज़्यादा दिखाया गया है। कि जैसे कि देखें कि केरल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तो केरल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो है तो सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के उस पर देखे गए ये स्टेट, है ना। जहाँ केरल फर्स्ट था तो वहीं आंध्र प्रदेश सेकंड और महाराष्ट्र थर्ड, ये बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। वहीं इन्हीं की तुलना में यदि हम बात करें कि बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो कि एक प्रकार से काफ़ी एक बहुल आबादी बहुल वाले राज्य हैं, है ना, तो इनमें तो एक प्रकार से ये काफ़ी कुछ अच्छे प्रयास कर भी रहे हैं, वहाँ भी स्थिति में सुधार उस प्रकार से नहीं दिख रही है, है ना। वहीं ये केरल आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र की बात करें, ये तो ऑलरेडी एक प्रकार से कह सकते हैं कि संपन्न स्टेट को कहा जा सकता है कि काफ़ी कुछ डेवलप एरिया डेवलप स्टेट है, तो इनमें तो स्थितियाँ बेहतर हैं। जबकि बिहार उत्तर प्रदेश जैसे जनसंख्या बहुल और काफ़ी कुछ पिछड़े कैसे इनको बीमारू राज्यों की श्रेणी में भी रखा जाता था, है ना, तो उनमें काफ़ी कुछ सुधार उस तरह के नहीं दिख रहे हैं, है ना। यदि हम बात करें कि इन राज्यों में तो आज भी एक प्रकार कह सकते हैं कि बाल मृत्यु दर एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा ऊँची है ना। वहीं शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो वो भी बहुत ही काफ़ी उसमें सुधार देखने को नहीं मिला है ना, निम्न स्तर का ही बना हुआ है। यदि हम थोड़ा सा बात करें कि नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स उसने जारी किया था तो उसके बारे में हम जाने, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और साथ ही साथ आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें, है ना। तो देखें कि जैसे कि ये जो इंडेक्स तैयार किया गया था, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि विश्व बैंक ने यहाँ पास एक प्रकार से टेक्निकल सपोर्ट दिया था, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उसके परामर्श से नीति आयोग ने ये रिपोर्ट को तैयार किया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब यदि हम बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ महत्वपूर्ण है, तो ये जैसे देखें कि रिपोर्ट में जो है तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्य के परिणामों में साल दर साल वृद्धिशील बदलाव के साथ साथ एक दूसरे के संबंध में भी उनके समग्र प्रदर्शन के बारे में भी इसमें अच्छे से बताया गया है, है ना। और वहीं यदि हम बात करें कि इसके उद्देश्य की बात की जाए, तो वही कि स्वास्थ्य में राष्ट्र के प्रदर्शन की विविधता और जटिलता को मापने और समझने के लिए एक वार्षिक व्यवस्थित उपकरण के रूप में इसको वापस शो किया गया है। यदि हम देखें कि इसमें से कुछ इस रिपोर्ट पे ध्यान दिया जाए, तो इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं आप लोग, कि जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा भी कि विभिन्न राज्यों की यदि स्टेट वाइज देखा जाए कि इसमें किस प्रकार से प्रदर्शन रहा है, तो जैसे केरल जो है तो इसमें केरल टॉप पर रहा है, है ना। वहीं यदि हम बात करें कि समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन की बात करें, तो उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति पर है, जहाँ केरल टॉप पे है तो वहीं उत्तर प्रदेश सबसे निम्न स्तर पे है, है ना। वहीं देखें गुजरात पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है तो चौथे पांचवें और छठे स्थान पर क्रमशः रहे हैं। वहीं हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया कि केरल आंध्र महाराष्ट्र टॉप पे रहे हैं ना। वहीं हरियाणा राजस्थान और झारखंड जो है तो वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर सूचकांक में शीर्ष पर हैं। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, है ना। वहीं लगभग ये देखा जाए तो लगभग आधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लगभग 15-16 आधार वर्ष और 17-18 संदर्भ वर्ष है, संदर्भ वर्ष 17-18 है और 15-16 जो है तो आधार वर्ष है, उनके बीच जो समग्र स्कोर है उसमें सुधार भी देखने को मिला है, है ना। यदि हम बात करें कि ये जो है 8 सशक्त कार्रवाई समूह राज्यों में से केवल 3 राज्य जैसे कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़, उन्हीं ने समग्र प्रदर्शन में अच्छा सुधार किया है। अभी हम आर्टिकल की तरफ ध्यान दें, तो आर्टिकल में जैसे देखा कि यहाँ पास जो है तो महिलाओं के लिए तो ये
एक प्रकार से जो स्वास्थ्य संबंधी चीज चुनौतियाँ हैं वो और भी ज़्यादा बड़ी हैं। यदि हम देखें कि दुनिया भर में जो लड़कियाँ और महिलाएँ हैं वो पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो पढ़ाई लिखाई की तुलना में ऐसे कार्यों पर ज़्यादा वक्त खर्च कर रही हैं जिनका कि उन्हें कोई ज़्यादा एक प्रकार से आउटपुट या एक प्रकार से इनकम नहीं मिल पा रहा है, मेहनताना उनको नहीं मिलता है, है ना। उनके जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो उसमें काम कर रही हैं, है ना, तो बहुत से ऐसे वर्क हैं। तो यदि हम बात करें जैसे कि वैश्विक कामकाजी आबादी में यदि बात की जाए तो ये लैंगिक खाई जो है, लैंगिक असमानता रूपी जो खाई है, तो तकरीबन 24% है, है ना। तो हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक प्रकार से महिलाओं और पुरुषों में भी इस प्रकार से कह सकते हैं कामों में भी किस प्रकार विभेदता देखने को मिल रही है। वही देखा जाए तो इसमें जहाँ महिलाओं की हिस्सेदारी न केवल कम है बल्कि पक्षपातपूर्ण कानूनों और नीतियों के लैंगिक आधार पर होने वाली जो हिंसा है उसके चलते उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार में तो समावेशी विकास और सतत आर्थिक वृद्धि है उसके लिए जो आवश्यक है कि शिक्षा और पोषण में निवेश बढ़ाया जाए तो उनको तो फिर नहीं प्राप्त किया जा सकेगा, है ना। तो इनमें यदि हमें समावेशी विकास करना है और एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो हमें ये जरूरी हो जाएगा कि हम शिक्षा और जो गवर्नमेंट है तो शिक्षा और पोषण संबंधी इसमें जो है तो काफ़ी ज़्यादा अपने इन्वेस्ट को बढ़ाया जाए, है ना, इन्वेस्टमेंट को, और शिक्षा और पोषण में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये तो उन देशों के लिए तो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ पास जो है तो अब भी जो बहुत पिछड़े हुए हैं, है ना। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है उस पर तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, है ना। यदि हम देखें कि उचित नियोजन और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को यदि हम अच्छे से टारगेट कर लें जो कि एक प्रकार से यानी कि इनमें ज़्यादा फोकस हो जाए तो वह ज़रूरतमंद तबके के सभी लोगों तक एक प्रकार से उनकी पहुंच आसानी से हो पाएगी, है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने से। इससे क्या होगा, इससे होगा कि जैसे लोगों के स्वास्थ्य संबंधी 90% ज़रूरतें हैं वो भी आसानी से पूरी हो सकती हैं। इसके साथ यदि बात करें कि गुणवत्तापरक शिक्षा, तो गुणवत्तापरक शिक्षा के दायरे को भी हमें काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि हम बात करें कि 1980 में जहां भारत में 7.4 करोड़ बच्चों ने स्कूलों में एडमिशन लिया था वहीं उनकी संख्या अब जो बढ़कर के 7.4 से लगभग 13 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है, है ना। लेकिन यदि हम देखें कि हमने तो उनकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है तो उनमें हम उनको एक कह सकते हैं कि उनको परखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी तक जो हमने एक कह सकते हैं कि जो यहाँ पर से ये क्वांटिटी लेवल पर तो ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पर 7.4 करोड़ से बढ़ गया कि 13 करोड़ हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, है ना। क्योंकि यदि हम देखें कि इनमें भी जो है तो गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा विभेद देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम देखें कि इनके जैसे कि इन अवरोधों को भी हमें काफ़ी कुछ दूर करने की जरूरत प्रयास करने की ज़रूरत होगी, है ना। जैसे कि हमें उन सामाजिक बंदिशों को भी तोड़ना होगा जो कि एक प्रकार से जो कह सकते हैं कि जो काफ़ी कैपेबल महिलाएं हैं उनके लिए भी जो है तो उनकी कैपेसिटी, उनकी एबिलिटी, है ना, उनके स्किल को, उनकी कला को, उनके जो कौशल है उनको एक प्रकार से उचित उपयोग के एक बेहतर मंच भी उपलब्ध करा सके और जो भी उसके लिए जो अवरोधक उत्पन्न तत्व हैं तो उनको भी ख़त्म किया जा सके। इस प्रकार से हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाई करनी होगी, है ना, और साथ ही साथ इस प्रकार के सामाजिक बंदिशों को भी तोड़ने की ज़रूरत है, है ना। यदि हम बात करें कि यदि जैसे कि यदि हम बात करें कि आखिर दुनिया में तो एक प्रकार से बात करके हमने शिशु मृत्यु दर को भी घटाने में काफ़ी कुछ सफलता बेहतर तरीके से हासिल भी की है, और यदि हम देखें कि हम शिक्षा के मोर्चे में भी काफ़ी अच्छी एक प्रकार से सुधार हमने किया भी है, तो यदि हम देखें कि दुनिया भर में जैसे नीतिगत सुधारों के दम पर लैंगिक भेदभाव घटाने में भी मदद मिली है, है ना। भारत में यदि देखें कि डिजिटल गवर्नेंस जैसे माध्यम तो उनमें भी निवेश करने की कोशिश से कह सकते हैं कि महिलाओं को अपनी तकदीर खुद लिखने का भी एक प्रकार से प्लेटफॉर्म मिल सकता है, है ना। यदि हम देखें कि सभी भारतीयों को एक प्रकार से जब बैंक खाता खुलवाने में भी मदद, है ना, वही विशेष सरकारी पहचान पत्र और वित्तीय सेवा को उपयोग को ही मोबाइल फोन से जोड़ने जैसे पहल एक प्रकार से समाज के वंचित वर्गों को ही विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का ही काम कर रही है, है ना। इसमें उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जनधन हो गया, है ना, हमारा आधार कार्ड हो गया, तो इससे जिस प्रकार से जैम की गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो एक प्रकार से इसी इसकी यही तो अप्रोच है कि एक प्रकार से तीनों को जनधन, आधार और मोबाइल, इनको तीनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए, उससे जो है तो जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो उससे जो है तो सभी निचले से निचले तबके तक जो है तो उसको उसका लाभ मिल सके, है ना, और डायरेक्ट तरीके से उसका लाभ उसे मिले, उसमें कोई बिचौलिया की जरूरत से कोई भी ना हो, है ना। तो यदि हम देखें तो इनके माध्यम से तो लोग एक तरह से जीवन उपयोगी जो कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचा है उससे निश्चित तौर पर जुड़ सकते हैं और जुड़ भी रहे हैं। यदि हम देखें कि इन सुधारों को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तरह से और भी ज़्यादा बेहतरीन गरीब हित ऐसी डिजिटल सेवा और सक्षम कानूनों के साथ जोड़ दिया जाए तो करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिल सकती हैं, है ना। अब यही एक प्रकार से महत्वपूर्ण ये भी कि जैसे कि हम वहाँ पर राइटर ने काफ़ी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यहाँ पर अपनाई है कि जैसे वो बता रहे हैं कि
इस प्रकार के जो सुधार हैं तो एक प्रकार से देखने को भी मिल रहे हैं, है ना। जैसे बात करते हैं कि वहाँ पर से देखें कि जब सरकारी कंपनियां और गैर लाभकारी संस्थाएं सुधार के लिए प्रतिबद्ध होकर के और साथ मिलकर के काम करती हैं, तो निश्चित तौर पे जो है तो उसमें काफ़ी कुछ हालात सुधरते हैं, है ना। और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी कुछ उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। यदि कौन कौन एक प्रकार से हेल्पफुल करी, ये आपके गवर्नमेंट गवर्नेंस के उसमें भी देख सकते हैं कि इनमें यानी कि जो है तो इनका काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो सरकारें हो गई, एनजीओ वगैरह हो गए, है ना, और कंपनीज हो गई, इनकी एक तरह से इंटीग्रेटेड एक तरीके से मिलकर के ये जो है तो काफ़ी एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ यदि मिलकर के ये काम करें तो काफ़ी कुछ बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं। तो आज यदि हम बात करें कि एक तरह से यहाँ पर राइटर ने जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की बात की कि आशावादी क्यों हो सकता, तो उनका एक तरह से यहाँ पर आर्गूमेंट भी है कि जैसे कि जो वैश्विक रुझान प्रगति है उसके लिए तो अवसरों की एक तरह से यहाँ पर वो बता भी रहे हैं कि जैसे कि अब ये तो भारत सहित पूरे विश्व पर भी एक तरह से ये निर्भर करता है कि हम कैसे सबके लिए इसे संभव भी बनाएं, ताकि दुनिया के हर कोने में हर किसी को इस अवसर का भी लाभ मिल सके, है ना। जो एक तरह से इनका कोऑर्डिनेशन से सभी को एक तरह से निचले तब तक को एक प्रकार से बेहतर उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी, उसको हर प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया की जा सके, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है कि दुनिया का अगला शक्ति केंद्र बनेगा भारत। तो इसमें यानी कि ये जो श्याम शरण जी का आर्टिकल है, इसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम देख सकते हैं कि जैसे कि बताया गया, यहाँ पर सर्टन बताया भी है, जैसे कि इतिहासकार विलियम मैकनील, तो उन्होंने एक प्रकार से जो शक्ति के चरित्र, निष्पक्षता तथा और नैतिकता, उनके साथ जो अंतर संबंधों की एक प्रकार से उन्होंने व्याख्या जो की है, तो उसके अनुसार जैसे देखें तो उसमें जैसे उनकी संभावना तो बेहद कम दिखती है कि ताकत को संगठित करने और अमल में लाने के लिए मानव क्षमताओं का किस प्रकार से संभावित विस्तार इसके उपयोग को लेकर के हिचक का स्थायी भाव रखेगा, है ना। हेजिटेशन किस प्रकार से उसमें देखने को मिल सकती है ना, जबकि उसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार के वो कैसे कह सकते हैं कि चांसेस तो होंगे, लेकिन उसमें से भी जो है तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो है तो उसमें संभावनाएं तो काफ़ी कुछ देख मिलती हैं, है ना। लेकिन उसमें भी किस प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसका दायरा अपने आप में जानबूझ करके एक प्रकार से सीमित रखने की तरफ किस प्रकार से होगा, तो जैसे देखिए कि हम संक्षेप में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो शक्ति जो है तो खुद को सशक्त बनाने के लिए शक्ति के कमजोर केंद्र बनाती है या शक्ति के विरोधी केंद्रों को प्रोत्साहित करती है। मानव जाति के संपूर्ण इतिहास में यही तत्व काफ़ी ज़्यादा प्रभावी भी रहा है। यदि देखें कि ये तो एक प्रकार से बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी मत को भी ये परिलक्षित करता है कि जिसमें कोई भी नैतिक आश्रय नगण्य है ना। लेकिन यह मौजूदा जो भू राजनीतिक वास्तविकता है उसको भी काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से दर्शाता है। जैसे बात करें कि एक अग्रणी ताकत बनने की आकांक्षा रखने वाला जो भारत है, हम भारत के संदर्भ में बात करें तो उसमें भी इसी प्रकार की जो संभावित शक्ति पर तो एक प्रकार से वो भी अपना दांव लगा ही रहा है ना। जैसे कि वो अपने खुद से ज़्यादा ताकतवर जो निकाय हैं उनके द्वारा निगल जाने की जो संभावना उसको भी नकारता रहता है ना, नकारता है। लेकिन क्या उसे शक्ति के प्रतिद्वंदी के केंद्र के तौर पर उभरने के लिए प्रेरित किया जाएगा? यहाँ पर राइटर ने क्वेश्चन रेज किया है। अब यदि बात करते हैं कि इसे देखें कि राइटर ने यहाँ पर बताया भी कि जैसे कि मैकलिन ने यह भी बताया है कि एक स्थापित निकाय से एक आकांक्षी निकाय को ताकत का हस्तांतरण किस तरह से हो सकता है ना। तो यानी कि जो पहले से एक प्रकार से शक्ति संपन्न है, शक्ति युक्त राष्ट्र है ना, यानी कि वो स्थापित निकाय है, उससे एक आकांक्षी निकाय यानी कि जो बनने की इच्छा रखता है कि शक्ति संपन्न है, शक्ति केंद्रित बनने की कैपेसिटी भी रखता है और वो आकांक्षी भी है, तो उसको किस प्रकार से इससे पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो या शक्ति का हस्तांतरण हो किस प्रकार से हो सकता है, तो मैकलिन ने इस चीज़ को बताया भी है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई भी जनसंख्या धरती पर कहीं भी मौजूद सबसे कारगर और ताकतवर साधनों का उपयोग किए बगैर बाकी दुनिया को पीछे नहीं छोड़ सकती है। यानी कि यदि हम इसको काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में ये बात ज़्यादा सटीक बैठती है कि भारत में जिस प्रकार से हम कह सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर किस हमारी तो जनसंख्या के लेवल पे हम ये बात करके विश्व में भले दूसरी महाशक्ति के तौर पर देखने को मिल सकता है भारत को, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम जब सब एक प्रकार से जो विश्व में मौजूद सबसे कारगर और ताकतवर साधन है यानी कि कह सकते हैं कि बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर स्किल, है ना, इन चीज़ों को उपयोग किए बिना तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि तो नकारा के हिसाब से ही रह जाएगी, काफ़ी कुछ कोई इसकी महत्वपूर्णता नहीं रह जाएगी, है ना। और हम विश्व में काफ़ी प्रगति नहीं कर सकते जब तक कि हम काफ़ी हाईटेक चीज़ों से या वर्तमान जो विज्ञान है, वर्तमान तकनीक है, उससे यदि हम कदमताल नहीं कर पाते हैं। तब यदि हम परिभाषा के अनुसार ये बात की जाए तो ऐसे साधन धन और शक्ति के वैश्विक केंद्रों में ही स्थित होते हैं, वे कहीं भी हो सकते हैं, है ना। यानी कि
ये जो इन साधन की बात करते हैं, इस तरह से बात करें तो कि वैश्विक नेतृत्व में किसी भी भौगोलिक विस्थापन की प्रस्तावना उच्चतम प्रबल कौशल के पूर्ववर्ती स्थापित केंद्रों से सफलतापूर्वक उधार ली जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पास राइटर का सीधा तौर पे ये मतलब है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो ये इस प्रकार की जो शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है, ये जो भौगोलिक विस्थापन की जो प्रस्तावना उसमें भी जो उच्चतम प्रबल कौशल है ना, तो ये यानी कि काफ़ी कुछ हाई स्किल्ड है। वर्तमान के हिसाब से अगर बात की जाए काफ़ी उच्च प्रबल उसकी स्किल है, उसके जो पूर्ववर्ती स्थापित केंद्र जो पहले उन्होंने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस प्रकार के स्किल्स संपन्न हैं, तो उनसे एक प्रकार से ट्रांसफर करने की एक प्रकार से स्थापित केंद्र से हमें उधार लेनी चाहिए, है ना। यानी कि जो जहां पास इस तरह के स्किल्ड या बेहतर हाईटेक टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो वो जो है तो अपने को बेहतर बनाने के लिए जो संपन्न है जिनके पास ऑलरेडी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस प्रकार की स्किल्ड हैं, तो उनसे वो सीख ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर राइटर का ये कहने का तात्पर्य है। अभी यदि हम बात करें कि इतिहास में तो इस अवधारणा को बहुत ज़्यादा उदाहरण भी देखने को मिल सकते हैं। यदि हम देखें उदाहरण के तौर पर देखें तो ये याद रखिए कि ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपके आईआर के हिसाब से आपके आर्ट एंड कल्चर में भी कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ दिया करते हैं, है ना, कि हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, स्किल है, तकनीक है, इन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी और आप इसको अपने मेंस के आंसर राइटिंग्स में जोड़ करके काफ़ी कुछ अपने आंसर का वजन भी बढ़ा सकते हैं। यदि देखें तो यहाँ पर राइटर ने उदाहरण भी दिए हैं कि जैसे रोमन साम्राज्य ने शीर्ष तक अपने जो सफ़र है उसको पहुँचाने के लिए, अपने को शीर्ष पर पहुँचाने के लिए ग्रीक सभ्यता से किस प्रकार से काफ़ी कुछ उधार लिया था, है ना, तब वो बेहतर कंडीशन पर पहुँच पाया था रोमन साम्राज्य। वहीं इसी प्रकार बात की जाए कि अरबों ने भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किस प्रकार से मध्य एशियाई और फारसी समुदायों के उन्नत ज्ञान विज्ञान का बखूबी इस्तेमाल किया था। वहीं यदि बात की जाए कि फारसी समुदाय, तो फारसी समुदाय ने भी गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में किस प्रकार से भारतीय और चीनी लोगों से काफ़ी कुछ सीखा था, है ना। तो हाल के दौर पर यदि हम बात करें कि अमेरिकी लोगों को तो एक सशक्त और उन्नत अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हुए हम देख सकते हैं, है ना, जिन्होंने ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के दौरान विकसित तकनीक और कौशल को अपनाते हुए ऐसा प्रयास किया भी है और इस प्रकार उन्होंने देखा भी है ना, कि अमेरिका इसीलिए आज देखो आज विश्व शक्ति के तौर पे अमेरिका देखा जा सकता है। लेकिन विश्व शक्ति आज अमेरिका यूँ ही नहीं बना, बल्कि वो तो उसने तो जो है तो जो तकनीक है सशक्त उन्नत अर्थव्यवस्था का उसने जिस प्रकार से निर्माण किया है, तो उसके लिए उसने पहले ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों से अपने उनके जो वहाँ पास औद्योगिक क्रांतियाँ हो रही थी उसके दौरान जो विकसित टेक्नोलॉजी थी, उनकी स्किल थी, उनको किसने किस प्रकार से उन्होंने अडॉप्ट किया अमेरिकी लोगों ने, है ना। वही यदि बात करके मीजी काल के जो जापान था उसने भी जो है तो इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई थी, आज जो है तो हम जापान को देख भी सकते हैं यदि हम बात करें। लेकिन इसका सबसे नया और ज़बरदस्त उदाहरण के तौर पर तो हम देख सकते हैं चीन के लिए। चीन जो कि आज एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, ये देखें कि सुधारों और खुलेपन के चार दशक में यदि बात की जाए कि चीन ने तो बहुत उन्नत पश्चिमी ज्ञान और तकनीकों को एक प्रकार से किसी विशाल स्पंज की तरह सोख लिया है, है ना। ये विशाल स्पंज की तरह सोख किस प्रकार से लिया है कि जो है तो चीन जो है तो काफ़ी कुछ जो पश्चिमी टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी ज्ञान है, है ना, उनकी तकनीक है, उनकी स्किल है, उनको किस प्रकार से एक प्रकार से जो है तो अडॉप्ट किया है ना, स्पंज की तरह पूरा सोख ही लिया है। हम देख भी सकते हैं किस प्रकार से जो अमेरिका है तो चीन पे आरोप भी लगा सकता है, किस प्रकार से जो चीन है तो उनकी अमेरिका की टेक्नोलॉजी है उसकी चोरी कर रहा है, उसकी जो भी रिसर्च होती है उसकी भी चोरी कर रहा है, उसकी पेटेंट भी जो है वो चीज़ें जो है तो काफ़ी कुछ चोरी कर रहा है, इस प्रकार के आरोप भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हम इस पर नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से वहाँ पास जो है तो उसकी जो समृद्धि है आज वो महाशक्ति के तौर पर उभरा है, तो उसके पीछे ये रीज़न काफ़ी कुछ देखे जा सकते हैं। यदि हम देखें कि यदि हम इस पर देखा जाए तो इसी दौरान जैसे चीन है तो उसमें हमारे रवैया भी हमारी जो बिहेवियर हमारी एक्टिविटी उसमें भी हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम सीख रहे हैं किसी से तो उसके लिए विनम्रता भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि चीन ने यहाँ पर एक तरह से विनम्र रहने के साथ ही सीखने और उद्यम के लिए भी काफ़ी कुछ अपने आप को तैयार रखा है ना। यदि हम बात करें कि इसी प्रकार से जैसे श्याओफिंग के जो मशहूर कथन की बात की जाए, तो जैसे कि उन्होंने कहा था चीन में कि अपनी क्षमताएं छिपा कर रखो और अपने लिए वक्त हासिल करो। इसका एक प्रकार से ये तो एक प्रकार से इसको जो है तो इसकी पुष्टि भी करता है ना, कि अपने आप को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा शो करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी कैपेसिटीज़ आपकी एबिलिटीज़ है उसको आप पहले छिपा कर रखो और एक प्रकार से और भी ज़्यादा सीखने का प्रयास करो, अपने लिए वक्त हासिल करो, है ना। और एक उन्होंने ये भी कहा कि भीख मांगो, उधार मांगो और चोरी करो, इसकी रणनीति का तो एक प्रकार से मिला जुला नतीजा भी हो सकता है ना। तो चीन एक विश्वसनीय आर्थिक और तकनीकी शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया भी, हम ये उसके परिणाम देखने को मिल भी रहे हैं। जिस प्रकार से उन लोगों ने इस प्रकार की चीज़ें अडॉप्ट किया है उसके
बाद उसके आउटपुट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो मैकलेन के शब्दों में यदि बात की जाए तो ट्रांस अटलांटिक से ट्रांस पैसिफिक की जो तरफ शक्ति का जो भौगोलिक विस्थापन है वो भी जारी है, और इसके केंद्र में तो चीन ही देखने को मिल रहा है ना, जो कि एक प्रकार से प्रतिस्पर्धी केंद्र के तौर पर चीन देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें कि जो शक्ति का इस प्रकार से विस्थापन है तो उसको तो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी समझा जा सकता है ना। ये ऐसे प्रक्षेपण पथ में घटित होता है जो कि अतिव्याप्त हो रहे 3 चरणों से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर 3 स्टेजेस बताए गए हैं राइटर के द्वारा कि इस प्रकार की घटनाएं शक्तियों के किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, शक्तियों के किस प्रकार से विस्थापन हो प्रतिस्थापन या हस्तांतरण होता है, तो उसके किस प्रकार से 3 चरण हो सकते हैं उसको यहाँ पर राइटर ने बताया है। उसमें से फर्स्ट स्टेज के तौर पर राइटर ने बताया है कि देश शक्ति के अग्रणी केंद्रों से ज्ञान एवं उन्नत तकनीकें उधार लेते हैं है ना, और उन्हें अपना लेते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेज के तौर पर राइटर ने बताया है कि कोई भी जैसे स्किल टेक्नोलॉजी है ना, हाईटेक टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, तो इनको किस प्रकार से वो हमें उधार लेते हैं, तकनीकों को उधार लेते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है तो समावेशन का दौर चालू होता है, यानी कि जब उधार की जो तकनीक और ज्ञान है उसमें जब वो महारत हासिल कर लेते हैं, अपने आप को पूरी तरह से दक्ष हो जाते हैं, उनको सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो वो उसे अपना बना लेते हैं है ना। और तीसरे स्टेज की बात की जाए तो तीसरा और ये अंतिम जो स्टेज है इसमें उन्होंने बताया कि जो शक्ति का उभरता केंद्र है वो अधिक स्वायत्त ढंग से नए तरह के ज्ञान और तकनीकों को जन्म देने लायक हो जाता है। यानी कि पहले तो उन्होंने उधार लिया, फिर वो सीख करके दक्ष हुए, और सीखने और दक्ष होने के बाद उसको व्यवहारिक तौर पर और उससे और भी ज़्यादा मॉडिफाई होकर खुद जो है तो एक प्रकार से और स्वायत्त ढंग से नए ज्ञान और तकनीकों को उन्होंने खुद ही एक प्रकार से इन्वेंट किया, खुद ही नए नए रिसर्च किए है ना, और वो इस स्टेज पर पहुँच सके है ना, एक प्रकार से शक्ति संपन्न हो गए। यदि हम बात करें कि जैसे उस समय तो शक्ति का जो भौगोलिक विस्थापन है तो वास्तविक आकार लेने लगता है ये 3rd स्टेज के बाद, और एक स्थापित केंद्र या केंद्र और उदीयमान जो प्रतिद्वंदी है उनके बीच भी प्रतिस्पर्धा काफ़ी कुछ देखने को मिलती है, मुखर होती है ना, क्योंकि काफ़ी कुछ भी संपन्न और शक्ति संपन्न कई कैसे मल्टीपोलर की तरफ देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करें, सवाल तो ये है कि चीन इस समय किस दौर से गुजर रहा है। हम चीन के संदर्भ में यदि बात की जाए तो चीन तो आज यदि हम बात करें तो वो दूसरे और तीसरे दौर के बीच ही फ्लक्चुएट कर रहा है चीन। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत अभी पहले चरण से ही दूसरे चरण की तरफ ही गतिमान है ना, पहले और फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बीच में ही जो है तो भारत की स्थिति देखने को मिली, यानी कि टेक्नोलॉजी स्किल्ड को जो है तो उधार लिया हम, अब धीरे धीरे हम उसको अपना रहे हैं, हमने अपना भी लिया है, अब उसके नेक्स्ट स्टेज पे हैं है ना। यदि हम बात करें कि चीन जो है तो पहले से ही कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इस तरह की जो हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं उसको अमेरिका से पहले ही अमेरिका के मुकाबले और भी ज़्यादा वो संपन्न होता जा रहा है ना, जो तो अमेरिका को टक्कर दे रहा है इन क्षेत्रों पे। यदि बात करें कि वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत इसमें अभी बहुत पीछे देखने को मिल रहा है ना, और ये सच भी है कि भारत के पास भी एक प्रकार से देखें कि अंतरिक्ष प्रोग्राम भारत का जो इसरो है ना, तो उस काफ़ी कुछ भारत ने इसमें विशेषज्ञता हासिल की है ना, तो जिसके लिए निश्चित तौर पर हमें गर्व करने की ज़रूरत है, लेकिन उत्कृष्टता के इन केंद्रों को अभी और भी ज़्यादा उत्कृष्ट होने की ज़रूरत है ना, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर इन्हें अपनी एक प्रकार से पैठ बनाने की ज़रूरत होगी, अन्यथा तो वे एक प्रकार से आसपास के मध्यम दर्जे के सागर में ही डूब सकते हैं। एक प्रकार से यानी कि इसमें काफ़ी कुछ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लाएगा तो ये तो फिर एक प्रकार से एवरेज ही रह जाएगा है ना। यदि हम बात करके अगर चीन के अनुभव में हमें कोई सबक सीखना है तो यही है कि उच्च तकनीकों और ज्ञान को हर संभव जगह से आत्मसात करने के साथ ही विनम्र एवं शालीन भी बने रहें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि हम तकनीकी उच्च तकनीक ज्ञान को यदि हम लेते हैं उधार किसी देश से तो हम उसको आत्मसात करें, और साथ ही साथ आत्मसात करने के साथ ही विनम्र और शालीन भी बने रहें। खासतौर पर यदि हम बात करें कि ऐसे युग में जब वृद्धि का प्रमुख चालक तकनीक ही है ना, वर्तमान संदर्भ की बात की जा रही है, और भविष्य के सफल समाज ज्ञानपरक समाज ही होंगे। यदि देखें कि भू राजनीतिक कारक शक्ति के ऐसे प्रतिद्वंदी केंद्र के रूप में उभर के भारत के एक प्रकार से रूप में भारत के उभार का समर्थन भी करते हैं जो बड़ी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा सह अस्तित्व और सामंजस्य कायम रख सकता है ना। यदि हम बात करके धन दल और ताकत के स्थापित केंद्र, अब भी जिस प्रकार से देखा जाए कि अमेरिका है, यूरोप है, जापान, ये तो अभी एक प्रकार से हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए और शक्ति के हिसाब से बात की जाए तो ऑलरेडी अभी भी टॉप लेवल पर ही हैं, लेकिन उनकी जो महत्ता है थोड़ी कम हो भी रही है, जहाँ पास चीन एक प्रकार से विश्व शक्ति के रूप में उभर भी रहा है। तो यदि हम बात करें कि जहाँ चीन एक प्रकार से अपनी पुरानी महत्ता के लिए एक प्रकार से जो है तो ये चीन का उभार जो है तो ये जो अमेरिका, यूरोप, जापान ये काफ़ी पहले से ही विश्व शक्ति के रूप में देखने को मिल रहे थे, तो उनकी जो पुरानी ये महत्ता उसके लिए एक प्रकार से एक खतरा पैदा हो रहा है ना। तो ये जो है तो फिर निश्चित तौर पर चीन को उस प्रकार से उभरते नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि चीन तो उनको टक्कर देने लगेगा। तो जो स्थापित शक्तियाँ उनकी नज़र में तो फिर एक प्रकार से भारत जो है तो एक प्रकार से चीन को काउंटर करने के मोहरे के तौर पर वो देख सकते हैं है ना। तो जो भारत का भू राजनीतिक मूल्य है तो इस प्रकार से ऐसे अकेले देश के रूप में है जो एक भरोसेमंद ताकत बनने के लिए जरूरी क्षमताएं और संसाधन भी रखता है जो है। तो
इन विश्व शक्ति देशों के लिए जो स्थापित केंद्र ऑलरेडी हैं, तो ये जो है तो चीन के विकल्प के तौर पे भारत को देखते हैं, और भारत में वो सभी संभावनाएं देखते हैं जो कि चीन एक प्रकार संपन्न हो चुका है और जो कि एक प्रकार से विश्व शक्ति के लिए होनी चाहिए। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत को इसके एडवांटेज भी मिल सकते हैं, है ना। यदि देखें कि जो जरूरी क्षमता संसाधन तो भारत उसमें रखता ही है, जिससे एक प्रकार से वो जो है तो उभरती जो वैश्विक चीन के जो दबदबा है तो उसको काउंटर कर सकता है। यदि भारत की बात करें तो भारत जो है तो अपनी असीम संभावनाओं को पूरा करना और इन शक्तियों के हित में भी, ये भारत के हिसाब से भी एक प्रकार से कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव इसको देखा जा सकता है। यदि हम बात करें कि एक प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग से तो भारत को पूंजी और प्रौद्योगिकी का बड़ा आधार भी बनाया जा सकता है, जिससे वो एक प्रकार से वृद्धि की तीव्र रफ्तार भी कायम कर सकता है। एक जीवंत और बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में भारत जो है तो अपने अधिक ताकतवर साझेदारों के साथ राजनीतिक मूल्य भी साझा करता है, और यह एक लाभ की स्थिति है। यदि हम देखें कि भारत के लोगों की तो एक प्रकार से, यदि हम बात करें कि एक प्रकार से मानना है कि वो गहरी विविधता से निपटने की उनकी क्षमता, एक वैश्वीकृत हो रहे विश्व से निपटने के लिए सभ्यता के बेमिसाल साधन भी हैं, है ना। भारत की जिस प्रकार से डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो, लेकिन इन साधनों का फायदा उठाने के लिए कि हमें बहुत ही ज़्यादा विनम्रता और शालीनता के साथ साथ सब कुछ जानने के बजाय सीखने की अलग जरूरी होगी, है ना। हम ऐसा ना करें कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि हमें एक तरह से अनभिज्ञ होकर के सब कुछ जानने की जरूरत है, है ना। क्योंकि अभी हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज के उस पर यदि फ्लक्चुएशन होता है तो उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ सीखने की और आत्मसात करने की जरूरत है ना। और अतीत के और साथ ही साथ हमें जो अतीत के जो सुनहरे स्तंभ हैं उनको भी हर बार एक प्लस उनका जिक्र करके अपने एक प्लस मस्तिष्क के विलक्षण भविष्य के लिए नहीं तैयार होता। यानी कि बात करें कि जो हम अपनी पुरानी जो पहले संपन्न रहे हैं तो उसकी जो गाथाएँ गा करके एक प्लस तो कपोल कल्पना के तौर पर हो जाएगी ना, है कि हम उसके बारे में बताएं कि हम प्राचीन काल में ये थे वो थे, तो उसका तो हम वर्तमान को देखा जाना जरूरी होता है, क्योंकि हम वर्तमान में क्या है वो माने रखता है, हमें वो स्टेटस ये दिलाता है, वर्तमान दिलाता है। हम भविष्य जो अतीत है उसको यदि हम गा करके बात की कि वर्तमान में हमें उसी तरह का दर्जा मिले तो ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो यदि बात करके हम अपने इतिहास के ऐसे दुर्लभ दौर में हैं जब सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था के पास अभूतपूर्व राजनीतिक पूंजी भी है, है ना। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट के तौर पे देखा जा सकता है। भारत की जो पॉलिटिकल विल पावर भी है देखने को मिल सकता है, यानी लीडरशिप भी है, तो काफ़ी कुछ अच्छी यहाँ पास वर्तमान में देखी जा रही है। हालांकि ये संसाधन जल्दी नष्ट होने वाले भी हैं, है ना। यानी ये एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिहाजा एक प्रकार से मुश्किल चयन के लिए उन्हें हमें संभालना भी होगा। ये चयन की एक महान शक्ति की होने वाली, यदि हम बात करके एक तरह से हैसियत हासिल करने का भी हमारा रास्ता निर्धारित करेगा, है ना। जैसा कि लोगों के साथ होता भी है, यदि हम बात करें कि राष्ट्रों के समक्ष उत्पन्न होने वाले अवसरों की भी संक्षिप्त जीवन अवधि होती है। यदि हम बात करें कि वे उस समय तक हमारा इंतजार नहीं करते रहेंगे जब हम खुद को उसके लिए तैयार समझें। दुनिया जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और भारत को या तो इस प्रगति उस पे अपने एक प्रकार से आगे आना होगा, या फिर सीमित विकल्प वाले भविष्य में ही संतोष करके उतने में ही सीमित रह जाना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि भारत की, यानी कि कह सकते हैं कि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर लिहाज से जो है तो भारत किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भारत की लोगों को, भारत के लीडरशिप को, है ना, भारत की ब्यूरोक्रेसी को, इन चीज़ों को सभी को एक प्रकार से इनका जो मिला जुला जो है तो वही जो है तो इनकी जो मार्ग है तो उसको प्रशस्त करने में सहायक होगा, है ना। तो इस आर्टिकल में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।